मुसलमानों के प्रति जो नफरत है वो घोलने का काम आरएसएस कल्ट ने बहुत पहले से किया है। कोई मुसलमानों के बारे में बात नहीं करता, यहाँ तक कि विपक्ष। मैं विपक्ष के बारे में ये कहूंगा कि विपक्ष मुसलमानों के बारे में बात करते वक्त कतराता है और कहता है कि अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक में जैन भी आते हैं तो उनके पर्यूषण पर को तो हमें नॉनवेज खाने के लिए मनाई करने की कोशिश करते हैं। वो मुसलमान होकर भी अच्छा आदमी है ऐसा लोग सार्वजनिक जगह पर बोलते हैं। वो अब्दुल कलाम एक मुसलमान थे लेकिन देशभक्त थे, इसका क्या मतलब है? और आपको मालूम भी नहीं होता कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं। उमर खालिद को आज हम जब बात कर रहे हैं तो 5 साल हो गए, मुझे नहीं पता कि वो किस जुर्म में अंदर है। ये अपने आप में भारत के लोकतंत्र के फेल्योर की निशानी है, पूरी तरह से फेल स्टेट है हम लोग एज अ डेमोक्रेसी एज अ नेशन, क्योंकि उनको संविधान नहीं चाहिए। वो संविधान का कवर वैसे ही रखेंगे, उस पे माथा टिकेंगे, लेकिन अंदर वो आरएसएस का येलो लिटरेचर डाल देंगे। आप जो भी आपके खिलाफ बोले उसको कहते हो जाओ पाकिस्तान जाओ ना। यहाँ के हिंदू जो आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना है ना, यहाँ के मुसलमान जो आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना है। जो हमारे एनआरआई भाई बहन हिंदुत्ववादी बन गए अमरीका यूएस और यूरोप जाके, वो इसलिए ये सारी मस्ती कर पा रहे हैं और कर सकते हैं और ये लग्जरी अफोर्ड करते हैं हिंदुत्व की, क्योंकि वहां पर जो डोमिनेंट धर्म है उन्होंने उनको हिंदू धर्म की आजादी दे दी है, छूट दी हुई है। मुसलमानों के खिलाफ एक वॉर क्राय करने के लिए राम के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दुनिया भर की जो कम्युनिटीज है वहां तक ये बात फैलनी चाहिए कि यहूदियों के साथ जर्मनी में जो हो रहा था वही भारत में मुसलमानों के साथ धीरे धीरे उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। और मैं ये बात बोलने के लिए भी नहीं कतराऊंगा कि शाहरुख खान ने कुछ नहीं किया मुसलमानों के, वो सत्ता के साथ हाथ मिलाए बैठे हुए हैं सारे सारे जो स्टार्स हैं, सिर्फ डायलॉग जितना। हाँ, दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। आज के इस एपिसोड में हम वो चीज़ पर बात करने वाले हैं जो शायद इस देश का एक बहुत बड़ा समाज पिछले 10-11 सालों से अनुभव कर रहा है। कहने के लिए तो अल्पसंख्यक समाज में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उसमें से विशेष तौर पर एक धर्म के लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर अब लोकल डिब्बे में लोगों तक हर कोई नफरत का इस्तेमाल करता है। हाल ही में हमने देखा है कि किस तरह से एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में, जो ट्रेन मुंबई से सटे कल्याण में आ रही थी, एक वृद्ध मुस्लिम शख्स को किस तरह से सताया गया, उसके खिलाफ गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, आसानी से कह दिया गया कि वो अपने साथ बीफ लेकर जा रहा है। और ये केवल एक घटना नहीं है, इस तरह की जिस तरह से लगातार घटनाएं हो रही हैं खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ, तो हमें लगा कि इसके बारे में चर्चा की जानी चाहिए कि इस देश के मुसलमान की हालत कैसी है और उसके मौजूदा हालात के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ राजू परुलेकर सर जुड़े हैं। बहुत बहुत नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर हम तो लगातार चर्चा करते हैं, ऐसे मुद्दों पर भी लगातार करते रहे हैं। आप जब देखते हैं, हम एक तरफ बात करते हैं अल्पसंख्यक समाज की, हम कहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज में सुधार होना चाहिए, उसकी बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन जब जैसी बात मुसलमानों पर आ जाती है हमने देखा है कि उनके खिलाफ 80% लोगों की तरफ से केवल नफरत का इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह से आप देखते हैं 10-11 साल में मुसलमानों का जो इस देश में हालत है उसे आप किस तरह से देखते हैं? और जो मैंने अभी घटना बताई, ऐसे ना जाने कितने अनगिनत घटना इस देश में लगातार होते रहते हैं। देखिए कि मुसलमानों के प्रति जो नफरत है वो घोलने का काम आरएसएस कल्ट ने बहुत पहले से किया है। इसके ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है और बोला भी है। लेकिन ये बात अभी जो उभर कर आई है वो मोदी सत्ता में 2014 में आने के बाद इनको ऐसा लगा कि पूर्ण बहुमत में अपना केंद्र में सत्ता आ गई है, तो अब हम पूरी तरह से ये सारी चीज़ें करने के लिए आज़ाद है। इसके आइडियोलॉग दो है इनके, एक तो गोड़वलकर और दूसरे हैं सावरकर। गोड़वलकर का तो कहना था हमारे 3 दुश्मन हैं, एक है मुसलमान, दूसरे है क्रिश्चियंस और तीसरे हैं कम्युनिस्ट। तो पहले दूसरे और तीसरे तो अर्बन नक्सल, आप और हमको भी अर्बन नक्सल कहते हैं जबकि हम कम्युनिस्ट भी नहीं है। तो उनके लिए जो तकलीफ देने वाला या ढूंढने वाला या सोचने वाला या बुद्धि से विरोध करने वाला
जो व्यक्ति है उसे उसके लिए वो कॉल हिम डॉग एंड शूट हिम करते हैं। लेकिन मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाना उनका पहले से चालू है, और वो गुजरात मॉडल जो 2002 में गोधरा में जो हुआ उसके बाद उनको लगा कि ये लेबोरेटरी अच्छी चल रही है, ये नफरत का बीज। असल में मुसलमानों ने कुछ भी नहीं किया था। अब तो ये थियरी भी है कि वो डब्बे को, शंकर सिंह वाघेला साहब ने खुद कहा है कि डब्बे को आग तो अंदर से ही लगी, तो बात ही समझ लीजिए ना। तो बाद में हमको पता भी चल गया कि किस तरह से दंगे किए जाते हैं जब कुछ भी मुद्दे नहीं होते, क्योंकि मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, और पूरी सोसाइटी में जो इंस्टीट्यूशंस है, जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। कोई मुसलमानों के बारे में बात नहीं करता, यहाँ तक कि विपक्ष। मैं विपक्ष के बारे में ये कहूंगा कि विपक्ष मुसलमानों के बारे में बात करते वक्त कतराता है और कहता है कि अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक में जैन भी आते हैं, तो उनके पर्यूषण पर को तो हमें नॉनवेज खाने के लिए मनाई करने की कोशिश करते हैं। अल्पसंख्यक में जैन आते हैं, वो अडानी तो उनमें से ही आते हैं, तो अल्पसंख्यक नहीं कहना चाहिए, स्पेसिफिकली मुसलमान कहना चाहिए। हम एक भयानक इस्लामोफोबिया से ग्रसित हो गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सारे हिंदू बिल्कुल इस चीज़ से वाकिफ नहीं है या इससे संक्रमित भी नहीं है, लेकिन एक कुछ तबका है जो हुआ है, जो पढ़े लिखे भी है उसमें और अनपढ़ भी है। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि मुसलमानों के जो नेता हैं वो बिल्कुल उनका परफॉर्मेंस निराशाजनक रहा है। आप चाहे गुलाम नबी आज़ाद लीजिए या आरिफ मोहम्मद खान लीजिए, अब कांग्रेस के सर सलमान खुर्शीद साहब है वो उनके जैसे बहुत गिने चुने नेता हैं, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि मुसलमान को दुश्मन बनाकर अपनी राजनीतिक जो ताकत है वो बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बेचारा मुसलमान इस देश में, अपने ही देश में और अपनी ही धरती में, यानी आप मैं वो मुसलमान होकर भी अच्छा आदमी है ऐसा लोग सार्वजनिक जगह पे बोलते हैं। वो अब्दुल कलाम एक मुसलमान थे लेकिन देशभक्त थे, इसका क्या मतलब है? और आपको मालूम भी नहीं होता कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं। सही बात है। अरे यार, मुसलमानों ने भी इस मिट्टी के लिए उतना ही खून पसीना और शहादत दी है, खून पसीना बहाया है जितना आपने, या आपने नहीं बहाया। असल में जो गुजरात कार्टेल अभी भारत को पूरी तरह से बर्बाद करने पे लगा हुआ है, उसमें से किसी के पुरखों ने कुछ नहीं, कोई इस धरती के लिए खून पसीना बहाया नहीं है, आज़ादी के लिए कुछ भी नहीं किया है, ना आरएसएस ने किया है। लेकिन आज़ादी की लड़ाई में आप देखिए 1857 से लेकर निरंतर मुसलमानों का योगदान रहा है, और हर चीज़ में योगदान रहा है। आप नाम लीजिए, उस चीज़ में रहा है। आज के तारीख में भी देखिए, आपको अच्छी दवाई मिलती है सिप्ला कंपनी से, या अजीम प्रेमजी साहब है जो कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी शादियां देखिए, आपको पता भी नहीं चलता उनके घर में शादी हुई ही नहीं हुई। तो जो लोगों के लिए काम वो कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस खड़ी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज खड़ी कर रहे हैं, पेटेंट्स, यानी देश को एक बहुत उम्दा मुल्क बनाने के लिए मुसलमानों ने बहुत बड़ा काम किया है। यह हमारे बच्चों को सिखाया नहीं गया, और मुझे लगता है इसमें पहले जो सत्ता थी 70 साल में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की, उनका भी योगदान रहा है। उन्होंने जो पगडंडियां बनाई हैं, यानी आप देखिए उस टाइम की भी कुछ फिल्में छोड़ दीजिए, लेकिन फिल्मों में जैसे टेररिस्ट दिखाते थे तो मुसलमान दिखाते थे, जबकि दुनिया में सबसे बड़ा टेररिस्ट जो था, जिससे हमने एक अपना उम्दा प्रधानमंत्री खोया है, वो राजीव गांधी को जिसने हत्या की, वो प्रभाकरण थे, वो हिंदू थे। तो और इस देश में जो आतंकवाद की बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई गई वो मुसलमानों ने कभी चलाई नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि इक्का दुक्का, तो हर देखिए, अब रेपिस्ट जब बाहर निकलते हैं तो वो संस्कारी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। सही बात है। और अब कल ही वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाले 7 महीने से अंदर है के उनका सम्मान किया गया, जब वो बाहर उनका भी सम्मान किया गया। फिर बिल्किस बानो के मामले में 10 लोग आए तो ब्राह्मण है, वो संस्कारी करके उनको गंध लगाया गया। फिर अब महिलाएं किस मुंह से अपेक्षा करती है कि पुरुष उनके प्रति सम्मान और रिस्पेक्ट से करिए? आप अगर उनको तिलक लगा रही है जो रेपिस्ट है, उनको तो अंदर डाल देना चाहिए। तो मोदी सरकार ने कोर्ट्स हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो, ये तो कॉम्प्रोमाइज तो कर ही दी, सेबी हो, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कैग हो सारा, लेकिन यहाँ तक कि लोगों का माइंड जो है वो जहर से, ये इस नफरत से भर दिया है कि जो हमारे भाई है वो हमारे दुश्मन हैं, हम सोचने लगे हैं। और
इसमें भी एक देखिए हिपोक्रेसी कैसे है, यानी अवसरवादिता। गोवा या मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट में बीफ का समर्थन बीजेपी के नेता करते हैं, सही बात है। बाहर यहाँ पर बीफ के लिए, यानी आप देखिए पहलू खान से लेके इतने लोग, इतने लिंचिंग में मुसलमान मरे, कोई मुसलमान उफ तक करता है तो उसको सजा दी जाती है। उमर खालिद को आज हम जब बात कर रहे हैं तो 5 साल हो गए, मुझे नहीं पता कि वो किस जुर्म में अंदर है। ये अपने आप में भारत के लोकतंत्र के फेल्योर की निशानी है, पूरी तरह से फेल स्टेट है हम लोग एज अ डेमोक्रेसी, एज अ नेशन। और जो जहर चैनल्स ने, इंडिया टुडे हो, जी हो या बाकी सारे चैनल्स ने मुसलमानों के खिलाफ, ये 2014 से धीरे 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 2018 के बाद में, 19 के बाद में, 24 तक जो बोया है वो रेडियो रवांडा से जरा भी कम नहीं। सही बात। मैं ये मानता हूं कि इंटरनेशनल कोर्ट के सामने इन सभी के क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का फैसला होना चाहिए। एंटी सेमिटिज्म जितनी खतरनाक चीज है इस दुनिया में, उतनी ही इस्लामोफोबिया ही खतरनाक चीज है। और वो चीज इस देश में थी नहीं, वो अब आ गई है, इससे हमें बच के रहना चाहिए, नहीं तो ये देश ध्वस्त हो जाएगा। राजू सर, आपने एक बात कही वो मेरे जहन पे रही कि आजकल लोग बात करते करते ऐसी कह देते कि वो मुसलमान होते हुए भी अच्छा है। और ये आमतौर पर मैंने देखा है कि मैं ऐसे कई एजुकेटेड लोगों को जानता हूँ घरों में बोलते जो घरों के अंदर, मैं वही कहने वाला था, बोलते हैं कि वो लोग जो शायद ये चार दीवारों के अंदर पहले दबी आवाज में मुस्लिम बट इज नाइस पर्सन, हाँ, तो वो दबी आवाज में जो लोग ये बोलते थे, पढ़े लिखे लोग अब खुलकर अपने बच्चों को मुसलमानों के खिलाफ जो द्वेष है वो बढ़ा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पूरे फैमिली को लेकर जाते हैं, वो केरला स्टोरी जो एक प्रोपोगंडा के तौर पर लाया गया था वो दिखाने के लिए। यानी क्या इनके अंदर नफरत पहले से ही थी और अब क्योंकि इनके नेता आ गए हैं तो इनको मौका मिल गया है कि अब खुलकर वो नफरत को फैलाएं और 10 साल में ये सारी चीज़ें खुलकर बाहर आने लग गई? नहीं, ये नफरत तो पहले से थी क्योंकि सावरकर ने तो ये कहा ही था कि हमारे यवन दुश्मन जो हैं उनके स्त्रियों के प्रति जो आदर दिखाया गया है शिवाजी महाराज द्वारा, वो सद्गुण विकृति कहते हैं उसको सावरकर, यानी वो बलात्कार का समर्थन करते हैं। इसलिए वो बलात्कारी जब बाहर आए बिल्किस बानो वाले केस से, तो उनका वो किया गया, तिलक विलक लगाया गया, क्योंकि सावरकर की आइडियोलॉजी इन ये लोग मानते हैं। हालांकि इसके लिए सद्गुण विकृति के लिए शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज को दोष दिया है सावरकर ने। आप समझ लीजिए यहाँ पर एक पैराडॉक्स ये है सोहित, कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज का रिस्पेक्ट करते हो अगर, तो आप सावरकर का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, और अगर आप सावरकर का रिस्पेक्ट करते हो तो आप छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने के काबिल नहीं। ये बात समझने लायक है। आप दोनों महाराष्ट्र से थे इसलिए दोनों का नाम एक साथ ले, वो गलत है। एक सांस में मोदी ने नरेंद्र मोदी और सावरकर दोनों का नाम नहीं, नरेंद्र मोदी से लेकर आरएसएस कल्ट का ही ये है कि वो क्या करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसकी, उसके काम को अगर उनकी फिलॉसफी जो नफरत की है उसमें अगर वो बैठ नहीं रहा है तो बिठाने के लिए उसको भगवान बना देते हैं। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रातस्मरणीय बना देते हैं, फिर अंबेडकर जी को प्रातस्मरणीय बना देते हैं, क्योंकि उनको संविधान नहीं चाहिए, वो संविधान का कवर वैसे ही रखेंगे, उस पर माथा टिकेंगे, लेकिन अंदर वो आरएसएस का येलो लिटरेचर डाल देंगे, जो गोलवलकर और सावरकर ने, नफरती चिंटू ने लिखा है, वो सब डाल देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये देश के अखंडता, प्रभुता, आज़ादी और संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है, और इसके लिए जो भी काम करता है उस सब, उन सब को सजा होनी चाहिए। असल में आज की तारीख में देखिए मुसलमान कोई छोटा सा गुनाह करता भी नहीं है, वो एक्यूज है। एक्यूज तो उमर खालिद भी है, उसका गुनाह क्या है किसी को नहीं मालूम। तो गुनाह करता भी नहीं है, एक्यूज है, तो भी उसका घर बुलडोज कर देते हैं। घर तो घर, घर बाद में बोलते हैं कि घर ये उनका वो था, वो गैर कानूनी था। हाँ। 3 गाड़ियां हैं वो कहां से गैर कानूनी हो गई, वो भी आप बुलडोजर के नीचे लाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप एक ह्यूमन मानते ही नहीं हो मुसलमानों को, और आप ये अपेक्षा करते हो कि वो देशभक्त बने रहे इस देश में, और आप जो भी आपके खिलाफ बोले उसको कहते हो जाओ पाकिस्तान जाओ ना। यहाँ के हिंदू जो आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना है ना, यहाँ के मुसलमान जो आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना है। पाकिस्तान का जिक्र जब आपको करना है अगर, तो पाकिस्तान के संदर्भ में देखिए, मैं एक बात बताता हूँ,
बहुत कम लोग समझते हैं, आरएसएस का कोई भी आदमी या मोदी कल्ट का कोई भी आदमी जब पाकिस्तान कहता है तो स्पेसिफिकली उसको इंडियन मुसलमान के खिलाफ बात करनी होती है। वो पहले बोलने के लिए कतराता है तो पाकिस्तान नाम यूज करता है, फिर वो धीरे 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 नैरेटिव अपना सेट करता है मुसलमानों के खिलाफ। अब आप सोचेंगे कि मुसलमानों ने किया क्या है, क्योंकि ये क्यों खिलाफ है, क्योंकि फासीवाद का एक बेसिक रूल है जो हिटलर ने भी कहा था कि किसी एक दुश्मन की आपको बहुत जरूरत है, वरना आप पनपेंगे नहीं। आपके पास ना डेवलपमेंट की दृष्टि है, ना आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है जिससे सृजन हो सकता है, ना आप कला को उत्तेजन दे रहे हैं, ना आप साहित्य को उत्तेजन दे रहे हैं, ना सिनेमा अच्छे आप आने दे रहे हैं, ना चित्र बनाने रहे हैं, ना शिल्प बना रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा जिसके लिए लोग आपके साथ रहेंगे, झुंड बन के क्यों रहेंगे। तो आपको एक दुश्मन चाहिए। तो यहूदियों के रूप में हिटलर ने जैसे झुंड अपनी इकट्ठी की थी, वैसे मुसलमानों के खिलाफ आरएसएस और मोदी अपनी झुंड इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। अभी तक वो पूरी कामयाब नहीं हुए, लेकिन विपक्ष अगर अभी भी अल्पसंख्यक बोलता रहा तो वहां पर जर्मनी में जैसे सोशल डेमोक्रेट का हुआ था वैसे ही यहाँ का विपक्ष का पतन होगा, ये भी उनको याद रखना चाहिए। कांग्रेस के प्रति मुझे बहुत इस बात का गुस्सा है कि अभी भी वो खुलकर मुसलमान करके सामने नहीं आ रहे लोगों के, मुसलमानों की रक्षा में, जबकि लोगों ने उनको इतने वोट दिए हैं। सही बात है, तो उनको आना चाहिए। और राहुल गांधी जी का आज लोहा सब मानते हैं, तो उनको बोलना चाहिए मुसलमानों के। और ये हिंदू वोट बैंक नाम की कोई चीज नहीं है, ना मुसलमान वोट बैंक नाम की कोई चीज है। बात यह है कि सबने सबको वोट दिए। आप महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करके कश्मीर में सत्ता में आए कि नहीं बीजेपी? सही बात है। और आरिफ मोहम्मद खान आपके राज्यपाल रहे हैं कि नहीं केरला में? तो बात यह है कि मुसलमान बीजेपी के साथ भी है, मुसलमान सबके साथ है, हिंदू सबके साथ है, हिंदू कांग्रेस के साथ भी है, हिंदू। ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स भारत में अगर नहीं चलेगा तो पैसे का, जैनों के पैसे का भी पॉलिटिक्स नहीं चलना चाहिए। अडानी का जो घोटाला है वो बाहर आना चाहिए, माधवी बुज का घोटाला बाहर आना चाहिए। चूंकि वो मुसलमान नहीं है तो इसलिए उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये भावना ही गलत है। और मैं मुसलमान हूं तो मैं फक्र के साथ इस देश को अपना कह सकता हूं, ये भूमि मेरी है, ये भी भावना होनी चाहिए। और ये बढ़ाने के लिए हमें कोशिश निरंतर करनी चाहिए। जो आपने कही सर, वो बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कांग्रेस से देखिए हम जिससे अपेक्षा रख सकते हैं उन्हीं की बात करेंगे, और उनको लेकर ये जितने भी हमको बोलना है वो बोलना भी चाहिए। महाराष्ट्र में हम बैठे हैं, अब जो लोकसभा चुनाव हुए थे एक मुसलमान को इन्होंने टिकट नहीं दिया, 48 सीटों में इनको एक मुसलमान नहीं मिला टिकट देने के लिए, नंबर एक। राहुल गांधी को मैं देखता हूँ तो कभी वो शिवा की बात करते हैं, कभी वो शंकर भगवान की फोटो को लेकर जाते हैं, लेकिन मुसलमानों पर संसद के अंदर बोलने के लिए पहले सोशल मीडिया पर लोगों को लिखना पड़ा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार जब सत्ता में आए हैं कितने लिंचिंग हुए हैं, कितने जगहों पर पीटा गया, कितने जगहों पर मारा गया। उसके बाद जब इतना प्रेशर बनाया गया तब राहुल गांधी बोलते हैं। अब जब आप विपक्ष में हैं और आपको वैसे भी एंटी हिंदू बताया जाता है, लेकिन आप सर पे भस्म लगा के घूमते हो, हर एक मंदिर में माथा टेक रहे हो, मुसलमानों ने तो आपको कभी बोला नहीं कि हमारे मस्जिद में नहीं आओगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। वो तो देख रहे हैं कि कौन उनके पक्ष में बोलता है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है। ऐसे में भी राहुल गांधी हों या विपक्ष के लोग हों, उनको इतना डर क्यों होता है मुसलमानों के पक्ष में कुछ बोलने के लिए? आप हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, ये ऐसा क्यों मानते हैं कि अगर हम मुसलमानों के पक्ष में खुलकर बोलेंगे तो हिंदू वोट हमसे अलग हो जाएंगे? आरएसएस की और मोदी की ये कामयाबी है, ये कामयाबी मुझे लगती है कि ये डर बिठाने में कामयाब हो गए। ये प्रोपागंडा है, ये नैरेटिव सेट किया, ऐसा है तो कुछ नहीं। सही बात है। देखिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लोगों को अच्छा खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, जो बर्बाद हो रहे जमीन जल और जंगल पे जो आदिवासी है उनको अधिकार चाहिए, हसदेव का जंगल हो या वाढ़वन का बंदरगाह हो, ये सारे सुरक्षित होने चाहिए। ये अडानी अंबानी से ये लोग चाहते हैं। लोग आप ये नहीं जान ये चाहते कि आप मुसलमान हो या हिंदू हो, ये लोग प्रचार करते हैं, ये प्रोपागंडा से आपके दिमाग में बिठाया जाता है। किसने कहा कि नॉन वेजिटेरियन खाने से आप बुरे आदमी बन जाते हो? और अब जितने लोगों ने अब ये रफाल से देखिए, अंबानी है, अडानी है, मोदी है और शाह है, ये चारों लोग वेजिटेरियन है। तो 10 सालों में भारत में जो भी बर्बरता हुई लोगों से, उसको रोकने की वजह ये चारों लोग नहीं बने। मणिपुर में जो हुआ उसके लिए रोकने के लिए वजह नहीं बने। देखिए, हिटलर खुद वेजिटेरियन था, तो बीफ कोई मुद्दा नहीं है। भारत
दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर देशों में से एक है, नंबर वन समझ लीजिए, बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। और बीफ एक्सपोर्ट करने वाले कंपनियों का नाम भले अल कबीर वगैरह रखते हैं, जानबूझ के मुसलमान नाम रखते हैं, लेकिन कंपनियां चलाने वाले हिंदू हैं। और जहां तक 2014 की इलेक्शन से पहले एक इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा था, मेरे कुछ जैन मित्र है, उनके भी ये बिजनेसेस हैं बीफ के। तो बात यह है कि इतनी हिपोक्रेसी और इतनी घृणा के साथ एक समाज एक राष्ट्र के रूप में उभर ही नहीं सकता। खत्म हो जाएंगे हम समाज के रूप में। हमारे बच्चों को यह सिखाना जरूरी है, गोड़वलकर और सावरकर की फिलॉसफी इस देश के लिए, आरएसएस की फिलॉसफी इस देश के लिए घातक है, और ये एक टेररिज्म है, और ये इस्लामोफोबिया आपके मन से निकाल दो। रशिया एक देश है, देखिए दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रशिया है। अब मोदी जी का सपना है कि अडानी अंबानी को साथ लेके पुतिन जैसे भारत पे राज करे, लेकिन पुतिन हमेशा ये सम्मान के साथ कहते हैं, पुतिन में लाख दोष हैं, लेकिन वो हमेशा ये कहते हैं कि रशिया एक ऐसा देश है जहाँ क्रिश्चियंस और मुसलमान दोनों क्रिश्चियन होकर सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। और आपको तो मालूम है कि उधर मुसलमानों की पूरी रेजिमेंट लड़ रही है आज, रशिया लड़ रहा है, वो सही है गलत है बाद में रखते हैं। हम लोग मानते नहीं कि कोई लड़ाई जंग का किसी बात का हल नहीं है, और जंग को मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मुसलमान लड़ रहे हैं रशिया के लिए, और लड़े थे पहले भी लड़े थे। तो बात यह है कि आप दुनिया में देखिए कि जहां कहीं आप एक समाज लिटरेट यानी पढ़ा लिखा समाज है, या यूएस लीजिए या रशिया लीजिए, दो अलग पोल्स है, समझ लीजिए दो अलग विचारधाराएं हैं, दो अलग शासन है, प्रणालियां हैं, लेकिन वहां पर हिंदू और मुसलमान और क्रिश्चियन के तौर पर आपको कोई देखता नहीं, नहीं है। इतना ही नहीं कि अरब कंट्रीज से हमें विदेशी चलन सबसे ज्यादा आता है। हम आज अगर गाड़ियों से घूम सकते हैं क्योंकि तेल वहां से आता है। तो बात समझिए कि कतार, यूएई, सऊदी अरेबिया सारे मुसलमान देश हैं, वहाँ पर हमारे लोग यानी हिंदू सिख क्रिश्चियंस कोई भी जाता है तो उनको सम्मान के साथ रहने दिया जाता है। कभी किसी का लिंचिंग हुआ आपने सुना हिंदू है इसलिए किसी देश में? जो हमारे एनआरआई भाई बहन हिंदुत्ववादी बन गए अमेरिका, यूएस और यूरोप जाके, वो इसलिए ये सारी मस्ती कर पा रहे हैं और कर सकते हैं और ये लग्जरी अफोर्ड करते हैं हिंदुत्व की, क्योंकि वहाँ पर जो डोमिनेंट धर्म है उन्होंने उनको हिंदू धर्म की आज़ादी दे दी है, छूट दी हुई है। सही बात। वहाँ की वो लग्जरी वो फायदा लेकर आरएसएस के लोग वहाँ से हिंदू सेना चलाते हैं, यहाँ पे पैसा भेजते हैं और यहाँ पर लिंचिंग होता है मुसलमानों को। ये सारी चीज़ें ना ही फिर देश के सीमित है। देखिए जैसे एंटी सेमिटिज्म कहीं भी होता है तो ये उस देश के लिए सीमित नहीं है, सारे विश्व के लिए ये चिंता की बात है, और विश्व सारा विश्व उसका खिलाफ खड़ा होता है, हम भी खड़े होते हैं। वैसे ही इस्लामोफोबिया सिर्फ देश की बात नहीं है, ये सारे विश्व की बात है। अगर इस्लामोफोबिक भारत बन रहा है तो उसके लिए मोदी शासन और आरएसएस जिम्मेदार है। आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजिंग से लेके कोई भी ऐसी इस तरह की घटना जो संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है और शांति के खिलाफ है, वो अगर की जाती है तो हम उसे सहेंगे नहीं। ये विपक्ष को बड़ी आवाज में कहना चाहिए, अब वक्त आ चुका है। बिल्कुल। लेकिन क्या राजू सर एक तरीके से इसको नॉर्मलाइज किया गया? मैं आपको दो तीन उदाहरण देता हूँ। ANI एक न्यूज एजेंसी है, जब कोई आरोपी मुसलमान होता है तो वो उसका नाम लिखते हैं, लेकिन आरोपी हिंदू होता है तो वो नाम नहीं लिखते, कोई भी केस हो, ये हमने देखा हुआ है। पहलू खान से लेके अखलाक से लेके अभी तक लगातार इतने लिंचिंग हो गए हैं, अभी ऐसा लगता है कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको घर नहीं मिल रहा है, वो अच्छे खासे पैसे वाले हैं, लेकिन क्योंकि वो मुसलमान हैं, हम जिस मुंबई में बैठे हैं मुसलमानों को घर नहीं मिलता है, कोई नेता उनसे बात नहीं करता है। तो क्या इतने सब के बाद एक गुस्सा अगर कोई मुसलमान आएगा उसे तो आप क्या कहेंगे? एक तरफ हम देखते हैं कि वो शूट मार देता, वो BSF का जवान होता है, जो रेलवे का जो जवान रहता है वो ट्रेन के अंदर तीन तीन मुसलमानों को मार देता है, जय माता दी बोलने को कहता है, और उसके बावजूद सबने इसको एक न्यू नॉर्मल बना लिया है। अब कोई भी उठ के अगर मुझे कल किसी मुसलमान को कुछ बोलना है, मुझे सिर्फ कहना है कि इसके घर पर बीफ है, दाढ़ी पकड़ो, जय श्री राम बुलवाओ, वीडियो बनाओ और टिकट पा जाओ, तो ये क्या नॉर्मलाइज कर दिया गया है? और इस कदर नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि अब मैं
मेरे आसपास के जो हिंदू दोस्त हैं उनमें भी किसी तरह का इसमें गुस्सा नहीं देखता हूँ। वो उनके मन में एक तरीके से उन्होंने यह मान लिया है कि मुसलमान में अधिकांश लोग शायद हो सकता है कि क्रिमिनल ही होंगे, इसलिए इस तरह का व्यवहार किया जाता है। यहाँ तक कि मैंने देखा, अगर मैं और आप पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेन लिखाने जाएं और एक मुसलमान वहाँ पर कोई कंप्लेन लिखाने जाए, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है पुलिस किस तरह से बर्ताव करती है। ये हर जगह पर कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से देश में फैला हुआ है। ना घर मिल पा रहा है, ना नौकरी मिल पा रही है, ना चैन से रहने मिल पा रहे हैं। देखो, मैं दुनिया की बात छोड़ो, मैं जिस सोसाइटी में, यानी मेरे घर पर आज आप बैठे हुए हो, इस सोसाइटी में जब रहने आया था, मुझे लगता है 2009-10 में आया था, तब इस सोसाइटी में एक मुस्लिम फैमिली भी रहती थी छठे माले पे, और उनसे हमारी बहुत करीबी दोस्ती थी। इतनी करीबी दोस्ती थी कि उनकी वाइफ जो थी, मैं और मेरी वाइफ और मेरी बेटी, हम लोग कहीं विदेश गए थे घूमने, तो उनकी वाइफ हमारे साथ आई थी। यानी वो विश्वास का एक प्यार का नाता था। बाद में वो किसी कारणवश मुंबई छोड़कर पुणे चले गए, वो घर रहते नहीं। अब हालत यह है, ये नफरत कैसे फैलती है। देखिए, राम कोई प्यार का प्रतीक नहीं रहा। राम जिसके लिए हम पूछते हैं उसके लिए लोग नहीं मानते। जब इलेक्शन से पहले राम मंदिर बन रहा था, आपने नीचे आते हुए सोसाइटी में देखा था, देखा होगा कि आर्टिस्टिकली भयानक राम का एक चित्र और एक श्री राम जय श्री राम लिखा हुआ झंडा सोसाइटी के कांच पे किसी ने, यानी वो चेयरमैन ने ही बनवाया है और वो ऐसा रखा है। जिस दिन मेरा खून खौल जाएगा, मैं आया तब तक वो सूख चुका था। और हालांकि मैंने, बहुत लोगों ने मुझे समझाया, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन वो तोड़ना ही पड़ेगा, समझ लीजिए। क्योंकि ये आपके भक्ति का प्रतीक नहीं है। वो तो जो करने वाले लोग हैं वो कोई भक्त वक्त नहीं राम के, ये बस नफरत दिखाने के लिए और मुसलमानों के खिलाफ एक वॉर क्राई करने के लिए राम के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो जो, अब ये सोसाइटी की ये कहानी मैंने बताई, मेरे फैमिली ग्रुप की कहानी मैं अलग से बता सकता हूँ, मेरे दोस्तों के ग्रुप की और एक कहानी है, आपके दोस्तों के ग्रुप की एक कहानी होगी। देखिए, ये मुसलमानों के प्रति जो अन्याय हो रहा है वो रवांडा में जो हुआ था वैसा ही हो रहा है, और इसका आज नहीं तो कल हमें इसके लिए अपना, अपनी जीवन की, अपनी विचारों की, अपनी समझ की बाजी लगाकर इससे देश को बचाना पड़ेगा। नहीं तो देश एक नफरत की आग में झुलस जाएगा। और समझ लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि ये हिंदुओं के लिए हो रहा है, तो नहीं, यह देश बर्बाद हो रहा है। जीडीपी नीचे जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। जो आप जो भी कर सकते थे 2014 से पहले वो नहीं कर पा रहे हैं। जर्नलिज्म पूरा बंद कर दिया मोदी ने, और अब तो सरकार की वाही वाही करो, 8 लाख रुपया लेके जाओ, यूपी गवर्नमेंट ने करा दिया, और वो विरोध करो तो अंदर कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हिंदुओं को अफेक्ट ज़्यादा कर रही है, क्योंकि ज़्यादा हिंदू रहते हैं। और ये मुझे, मेरे एक कवि दोस्त आए थे मेरे, उन्होंने मुझे बोला कि यार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा डर लगने लगा अचानक सा। वो बहुत ही सेक्युलर थे, हालांकि उनकी पूरी परवरिश गालिब और फैज़ इन लोगों के किताबें, उन लोगों की किताबें पढ़कर हुई। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे डर लगने लगा यार अचानक, मुझे बताओ ज़रा थोड़ा। वो मेरे दोस्त है और मुझे, मेरे ऊपर विश्वास करते। मैं बोला कि यार क्या मुसलमान बढ़ रहे हैं क्या? मैं बोला डेटा छुपाना ये मोदी सरकार का अहम काम है, पहला काम उन्होंने वही किया है। सेंसस ही नहीं कर रहे हैं, जातिगत जनगणना नहीं कर रहे हैं, तो मुसलमान तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस देश की जनसंख्या जो भी है वो कई दशकों तक बढ़ती रही तो बहुत प्रॉब्लम खाने के हो जाएंगे, लेकिन वो हिंदुओं की बढ़ रही है और बाकी धर्मों की भी उतनी ही बढ़ रही है, तो वो एक चीज़ नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, उसका आपको डर किस चीज़ से? यानी देखो, एक देश या तो सुखी होता है या तो दुखी होता है। तो आप एक देखिए, कतार में जाइए, ओमान में जाइए, ओमान एक सुखी देश है, पूरा मुसलमान देश है। हम एक हिंदू देश है, समझ लीजिए, अब हिंदू देश है बन रहे, दुखी है, हम हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे गए, सही बात है, क्योंकि हम नफरती देश बन गए। सुखी कौन होता है? जो प्यार करता है। यहां पर हिंसा को प्रतिष्ठा दिलाई आरएसएस ने,
तो हम दुखी हो गए। भगवान बुद्ध ने कहा था कि जलता हुआ कोयला, नफरत जलता हुआ कोयला है, जो हाथ में लेता है पहले फेंकने के लिए उसका हाथ पहले जलता है। तो ये चीज बहुत ऊंचे स्तर की आरएसएस के समझ में नहीं आएगी, उनको इंटरनेशनल कोर्ट, ये दुनिया भर की जो कम्युनिटीज है वहां तक ये बात फैलनी चाहिए कि यहूदियों के साथ जर्मनी में जो हो रहा था वही भारत में मुसलमानों के साथ धीरे धीरे उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। पहले दिन कोई हॉलोकॉस्ट नहीं हुआ था, पहले दिन गैस चैम्बर नहीं बने थे, पहले दिन दुकानों को बुलडोज किया गया, याद रखिए, पहले दिन उनका सामान लेकर भागने पर उसको उसकी तारीफ की गई, तारीफ की गई नाजी पार्टी द्वारा, ये सारी चीजें हुई। तो ये धीरे धीरे आप कहाँ बढ़ रहे हैं आप समझिए। मेरा विपक्ष से नम्र निवेदन है कि खुलकर मुसलमानों के समर्थन में बात करें, ये वोट बैंक का सवाल नहीं है, मानवता का सवाल है। सही बात। अब आपने विपक्ष की तो सरकार की भी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। हमारा देश के जो प्रधानमंत्री है, मैं उनके कुछ भाषणों का उदाहरण देता हूँ। कभी वो कहते हैं कि जो हिंसा कर रहा है उसे उसके कपड़ों से पहचान लिया जा सकता है। कभी वो आते हैं और कहीं पर भी कुछ कुछ उल्टा सीधा मुसलमानों को एक तरीके से घुसपैठिया कह देते हैं। कभी वो कहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो बाबरी का ताला वो राम के मंदिर पर लगा देगी, बाबरी के बारे में उल्टा सीधा कहना। हम महाराष्ट्र में बैठे हैं, देवेंद्र फडणवीस लोगों को औरंगजेब की औलाद और ना जाने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। राजू सर, मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूँ यहाँ पर। आप देखिए ना, इन्होंने क्या क्या किया। सी ए एनआरसी लाया, एक तरीके से मुसलमानों को किस तरह से सताया जा सके उस हिसाब से लाया। ट्रिपल तलाक इसलिए लाया क्योंकि वो मुसलमानों को सताना चाहते थे, फिर वही हुआ। फिर उसके बाद वो अभी जो कॉमन सिविल कोड लाना चाहते, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसका भी वही है। एक मुस्लिम बहुल जो राज्य था जम्मू कश्मीर, वहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, यहां रोक के, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो मुसलमानों को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, ज्यादा तकलीफ सिखों को होगी, आदिवासियों को और सिखों को। हमारे लोगों को समझ, लोग पढ़ते नहीं है तो समझते नहीं है। खैर, तो ये, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक जो मुस्लिम बहुल राज्य था जैसे कि जम्मू कश्मीर, वहाँ पर आप देखिए केरला में अगर मुसलमान अच्छा कर रहे हैं तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की जाती है, पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। यानी एक सिस्टम का इस्तेमाल करके एक धर्म के लोगों को इतना सताओ, इतना तोड़ो, घर में जगह मत दो। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, ये अभी हमारे मीरा रोड में जब दंगे हुए थे अभी कुछ महीनों पहले, मैं वहाँ पर गया था और वहाँ पर सर मेरे सामने एक मुस्लिम समाज का आदमी ने कहा था कि उसके घर दुकान को इतना तोड़ दिया गया, तो वो बोला हमको सेकंड क्लास सिटीजन बना दोगे तो भी चलेगा, कम से कम हमें सताना छोड़ दो, हमारे पीछे मत जाओ। दूसरा एक जो उसका एक मुस्लिम युवक था, वो एक्चुअली कॉलेज में पढ़ता था, उसने कहा कि मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, जो मेरे कल तक बेस्ट फ्रेंड थे हिंदू वो मुझे गंदी गंदी गालियाँ व्हाट्सएप पर दे रहे हैं। तो एक तरीके से इतना जॉम्बी बना दिया गया है कि मुस्लिम समाज के लोग भी एक तरीके से कि ठीक है आपको जो करना करो कम से कम रहने दो, इतना खराब लेवल कर दिया। जो होलोकॉस्ट का आपने बात किया, देश के प्रधानमंत्री से लेकर गली नुक्कड़ के गुंडे तक अगर हर कोई ऐसा ही करेगा तो इसका फ्यूचर क्या है और मुसलमान कब तक सहेगा सर? कभी ना कभी नहीं, और एक बात बताता हूं मैं, ये कोल्हापुर में, कोल्हापुर एक प्रोग्रेसिव शहर है, बहुत शाहू महाराज का शहर है, और कोल्हापुर यानी जिनका कॉमरेड गोविंद पानसरे का मारा, तो उनको अन्ना कहते थे हम, तो उनका भी शहर है, उनको भी मार दिया बड़े बाजार में, सुबह चलने वॉक, मॉर्निंग वॉक के लिए जाने वाले लोगों को मारने की ये सत्ता की आदत है। तो जनरली देखिए धमकियाँ भी मुझे भी आती है, तो मॉर्निंग वॉक को मत जाओ ऐसे आती है। खैर मैं जल्दी उठता नहीं है तो टेंशन ही नहीं है मुझे। तो बात यह है कि वो कोल्हापुर, उसमें संभाजी राजे, अब वो संभाजी राजे यानी जहाँ पर कांग्रेस के सांसद है शाहू महाराज, उनके बेटे, शाहू महाराज के बेटे, लेकिन उनके आपस में कोई वो नहीं है, आइडियोलॉजिकल वो नहीं है। तो संभाजी महाराज ने विशाळगड़ पे जो अचानक एक बार गए थे बहुत साल पहले, अचानक डेढ़ दो साल बाद एक अचानक गए और विशाळगड़ पे आंदोलन किया कि ये मस्जिद है वहाँ पर और वो बाकी जो एनक्रोचमेंट है वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा अतिक्रमण है उसको हटाओ, और मस्जिद पे कुछ लोग चढ़े, उन्होंने हथौड़े वगैरह मारे। अब ये बात को आप देखिए कैसे प्लान्ड रॉयड्स की जाती है मुसलमानों के खिलाफ। 2 किलोमीटर दूर गजापुर नाम का गांव है, वो कोई लेना देना नहीं विशाल, वहां पर बाहर से पूरा सील कर दिया, बाइक पे लोग आए, गाड़ियों में लोग आए,
उनको उन्होंने गांव को सील कर गया और मुसलमानों के घर, उनकी जिंदगी भर की जो कमाई, ये वो सब सब कुछ तबाह करके चले गए। ये सारा तमाशा घंटों तक चलता रहा और उसके बाद वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, प्रशासन पुलिस ने कुछ नहीं किया। दूसरे दिन जब शाहू महाराज वहाँ जाने निकले या और भी कुछ नेता मदद के लिए, तो उनको रोका था। जब पत्रकार थे, हमारे दोस्त थे सारे, तो उनको रोका गया था। फिर झगड़ा करके वो बहुत 15 लोगों को जाने के लिए अनुमति दी गई। तो ये क्लियर कट ये है कि प्रशासन को, न्यायपालिका को, यहाँ तक कि सारी यंत्रणाओं को, देखिए और एक बात बताता हूँ, लोकसभा के इलेक्शन के टाइम मुसलमानों की वोटिंग के लिए जाते थे तो क्या हालत करते थे, बहुत टाइम लगाते थे। जहाँ के डीएम ने ठीक से काम नहीं किया, ये काम, इसको काम बोलते हैं, यानी बीजेपी को वोट के लिए मुसलमानों को वोट ही नहीं देने, तो उनका तबादला किया। 12 डीएम के यूपी में तबादला हुआ। तो इनका ये काम है कि डिस्क्रिमिनेशन करना, ह्यूमन डिस्क्रिमिनेशन। तो ये एक भयानक दौर है हिंदुस्तान के इतिहास में। और अशफाक उल्लाह, हम जब मर जाएंगे, हम जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो इसके बाद कोई दुनिया है, इस पर मेरा विश्वास नहीं। लेकिन जिन लोगों का विश्वास है, उन लोगों को ये खुद को पूछना चाहिए कि वहाँ जाने के बाद इब्राहिम खान गार्दी है, अशफाक उल्लाह खान है, या सिद्दी जो है महाराज के जो रक्षा करते थे वो है, अब्दुल कलाम साहब है, बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई बजाते थे, वो अगर आपको मिले तो आप क्या जवाब देंगे? आप क्या क्या तीर मार के आए हैं हिंदुस्तान में, जिन्होंने हिंदुस्तान को एक उम्दा देश बनाया, जहाँ एक ये यहाँ पर एक्टिंग की जो स्कूल है वो दिलीप कुमार से शुरू होती है, यूसुफ साहब से शुरू होती है, और अभी जो है शाहरुख खान, हम उसको बादशाह मानते हैं। तो ये सारी चीज, और मैं ये बात बोलने के लिए भी नहीं कतराऊंगा कि शाहरुख खान ने कुछ नहीं किया मुसलमानों के, वो सत्ता के साथ हाथ मिलाए बैठे हुए हैं सारे जो स्टार्स हैं, सिर्फ डायलॉग जितना, हाँ जितने प्रिविलेज मुस्लिम्स हैं, जैसे प्रिविलेज जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है, वो सत्ता के साथ हाथ मिलाते हैं, हम उनके लिए तड़पते हैं, लेकिन वो नहीं तड़पते। वैसे ही जो प्रिविलेज मुस्लिम्स हैं, जो सेलिब्रिटी है, आज शाहरुख एक लाइन बोलते हैं, जैसे रॉबर्ट डी नीरो ने ट्रंप के खिलाफ बोले, बिल्कुल, तो वैसे बोलते हैं तो सारी दुनिया में जाएगा ये, लेकिन वो करेंगे नहीं वैसा, वो खैर वो ये सब नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान सेकंड सिटीजन तो दूर की बात, कई चीजों में मुसलमानों ने हमसे ज्यादा त्याग किया इस देश के लिए, हमसे ज्यादा लेवल पे। देखिए मैं और एक बात बताता हूँ, ये औरंगजेब की औलाद वगैरह बोलते हैं, ये लोग अगर हिंदू है, ये ब्राह्मण है, हम आप ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण हूँ, ये सब हम ब्राह्मण जो भी अपने आप को हिंदुत्व समझ, हिंदुत्व का मतलब ब्राह्मणिज्म है, ये समझ लीजिए, हिंदुत्व कोई नहीं है, बाकी जातियां हैं, और उनको उनको भी ये दलितों को क्या मुसलमानों से अलग नहीं करते, सारे नॉर्थ इंडिया में अब यहाँ पर भी दलितों को वही ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इसलिए तो संविधान नहीं चाहिए, इनको मनुस्मृति चाहिए। मैं ये पूछता हूँ कि अगर औरंगजेब चाहता तो क्या ये ऐसी, उस टाइम में तो लोकतंत्र नहीं था, उस टाइम में संविधान नहीं था, उस टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसकी वजह से आप राजा को रोक सको। एक बर्बर तानाशाह अगर क्रूर होता है शासक, तो उसको रोक नहीं सकते आप, बराबर। तो क्या औरंगजेब, ये औरंगजेब के बच्चा वगैरह कहने वालों के पुरखों, जो पूरा पूर्वज थे, उनको मुसलमान नहीं बना सकता था? उसको बनाना नहीं था, वो लड़ाई सारी पावर की थी, थोड़ा धर्म यूज किया गया लेकिन पावर की लड़ाई थी। वरना संभाजी राजे का भी जो जो औरंगजेब ने बहुत बर्बरता से हत्या की, वो संभाजी राजे स्वराज्य के लिए बलिदान दिया उन्होंने, उनको पूछा गया कि किले कितने हैं, मराठों के दौलत कहाँ है, पैसे किधर है, ये सारे सवाल पूछे। उनको हिंदू बनाना वगैरह वो बात है, उनके दरबार के हिंदू जो ब्राह्मण थे उन्होंने ही औरंगजेब को बताई। उससे आगे जाकर मैं कहता हूँ, बाद में कैद करके संभाजी महाराज थे, छत्रपति संभाजी महाराज, उनकी बलिदान ये स्वराज्य में के लिए दिया, इसलिए मराठा साम्राज्य बढ़ सका। ये उनकी ये है, वो हिंदू वाली बात नहीं थी, वो स्वराज्य वाली बात थी, वो मराठा साम्राज्य की बात थी, ये बात आपको समझनी चाहिए। अगर संभाजी महाराज है तो स्वराज्य रक्षक है, वो हिंदू का कोई लेना देना नहीं। देखिए उनकी पत्नी
और उनके बेटे थे, छोटे बेटे थे, तो औरंगजेब ने उनको कैद करके लेके गया। औरंगजेब जिंदा था तब तक वो कैद में थे, वापस आए तो वो हिंदू थे। और छत्रपति बड़े शाहू महाराज जो हैं, इनको पुण्यश्लोक शाहू महाराज कहते हैं, जिनके टाइम में बाजीराव पेशवा पहला हुआ, वो बहुत ज्यादा देर तक, और उस उनके टाइम में सबसे ज्यादा फला फूला मराठा साम्राज्य, वो वापस आके राज किया उन्होंने। सही बात है। तो बात यह है कि आप जिस तरह से कलर पिक्चर करते हो, क्या है कि हमारे इतिहास के किताबों में ही दिखाया गया है कि शिवाजी महाराज का काम सबसे बड़ा कौन सा, आते फाट डाली अफजल खान की, अफजल खान को मार डाला वो बड़ी बात थी, लेकिन शिवाजी महाराज ने किसानों के खेत में आप अपने सैनिकों को जाने से मना कर दिया था, जहां धान रखते हो आप वहां पर चूहे नहीं जाएं, इसलिए खत लिखे थे, ये छोटी छोटी चीजें इतनी की थी। और जहां तक कि उन्होंने पहली बार यहाँ पर जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, जैसे आज भी कांग्रेस के नांदेड़ इसको दिया है, जैसे कि अशोक चव्हाण जाने के बाद 10 दिन सुन हो गए थे कांग्रेस, क्यों, क्योंकि वो नांदेड़ सरंजाम था, वहां का फ्यूडल लॉर्ड चव्हाण है, यहाँ के क्षीरसागर है, ये ऐसा कर दिया ना, वैसे ही था। शिवाजी महाराज पहले थे जिन्होंने सरदारों को तनख्वाह देना शुरू कर दिया, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। शिवाजी महाराज ग्रेट इसलिए नहीं थे क्योंकि किसी की आते फाड़ी, वो तो ग्रेटनेस वॉरियर का होता ही है, योद्धा तो महान थे, वो महान सेनापति भी थे, लेकिन शिवाजी महाराज उससे ऊपर थे कि उन्होंने स्वराज लाया। जिस वक्त लोकतंत्र की बात भी कोई नहीं करता था, तब उन्होंने एक तरह का लोकतंत्र लाया, अष्टप्रधान मंडल तैयार किया, जो संविधान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए, जो सावरकर बहुत बड़े प्यारे हैं ना, तो उन्होंने सावरकर ने दो चीजें की शिवाजी महाराज के बारे में, और जो एकदम पैराडॉक्स में आती है, और वो क्यों आती है वो कई लोग पूछते हैं मुझे, मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज तो काकतालीय योग है, यानी शिवाजी महाराज चूंकि वो बहुजन थे, क्योंकि वो एक तरह से शूद्र थे और इतने बड़े बने, तो वो सहन नहीं हुआ एक ब्राह्मण को, सावरकर के अंदर जो ब्राह्मण थे उनको सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा, यानी वो टाइम ही ऐसा आया था कि एक कोई व्यक्ति आने वाला था जो आता तो स्वराज्य की तरफ ले जाता, तो वो शिवाजी महाराज थे, यानी कौवा बैठा और वैसे भी शाख टूटने को आई है और टूट गई, तो उसको काकतालीय योग कहते हैं, वो शिवाजी महाराज को काकतालीय योग कहते हैं, यानी उनको पूरा क्रेडिट नहीं देते उनको, व्हाट ही डिजर्व्स। तो बाद में ना नमो शिवाजी राजा नाम का उन्होंने वो लिखा है, स्तोत्र लिखा, जैसे कि आरती लिखते हैं ना वैसे, श्लोका लिखा है, तो लोग बोलते कि ये देखो ये लिखा है सावरकर ने। सावरकर ने वो क्यों लिखा मालूम है, ये काकतालीय योग कहकर भी शिवाजी की महत्ता कम नहीं होती, शिवाजी महान है इससे भी आगे हैं, ये इनके समझ में आया, तो उन्होंने ये सोचा कि ये बहुजन को ये कैसा दर्जा दिया जाए, तो उनको भगवान बना दिया, और वो भवानी तलवार ये सब दिखाया, क्योंकि बहुजन का इतना कर्तृत्व हो सकता है ये एक्सेप्टेंस ब्राह्मणिज्म को नहीं है, इसलिए वो आरती वगैरह बनाई। तो सावरकर शिवाजी की वीरता श्रेष्ठता और बहुजनवाद के सबसे बड़े घातक शत्रु थे, और आगे गोलवलकर, और वो लोग आज हमको बता रहे। और देखिए शिवाजी की मूर्ति जो गिर गई ना राज, अभी जो मोदी ने बनाई हुई, वो एक, मैं नहीं मानता कि वो काकतालीय योग है, मैं ये मानता हूं कि ये शिवाजी महाराज का विराट अस्तित्व है, जिसे जिन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि इन लोगों के हाथ से अपनी मूर्ति का स्थापना हो। जैसे राम ने अयोध्या से उनको भगा दिया, वैसे ही शिवाजी महाराज ने कहा नहीं तुम लोग नहीं है वो जो मेरी शिक्षा पे चल रहे हैं, हम लोग है, आप है जो शिवाजी महाराज की शिक्षा पे चल रहे हैं, इसलिए आज हम मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं। और शिवाजी महाराज की सेना में इतने मुसलमान थे, और हमने देखा है जो लोग पढ़े नहीं है उन लोगों से कम से कम, अरे पेशवा के, मैं आपको कई बार, मैं कितने प्रोग्राम में बोल चुका हूँ कि पेशवा जो गए थे पानीपत में, उनका पूरा तोफखाना जो मेन चीज है, उसका मेन इब्राहिम गार्दी था, उसको अहमद शाह अब्दाली ने बोला कि आप हमारे साथ आइए, आप हमारे भाई हो क्योंकि आप मुसलमान हो, बोला भाई अगर मैं सच्चा मुसलमान हूं तो मैंने पेशवा के साथ खाया पिया बैठा उठा हूं, तो गद्दारी करना मुसलमान का धर्म नहीं है, मैं यहीं पे रहूंगा। वो मिट गए, वो मर गए उसमें, उनकी कोई समाधि नहीं है, बाजीराव की है, सबकी है, लेकिन इब्राहिम गांधी की कोई समाधि नहीं है। देखिए बात यह है कि दर्द होता है मुसलमानों के लिए बोलने वाला आज कोई नहीं है इस बात का, उनके ऊपर जिस तरह से जुर्म हो रहे हैं
वो देखकर जितना दर्द होता है उससे ज्यादा उनके लिए कोई बोल नहीं रहा नाम लेके, इसका ज्यादा दर्द होता है। राजू सर, अब आगे जाके जब हम सभी जिस काल में हैं उसके बारे में इतिहास लिखा जाएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें भी उसमें शामिल होंगी कि मुसलमानों को घर नहीं मिल रहा था, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिल रही, और लव जिहाद नाम के एक झूठी चीज़ें आ गया, किसी के भी घर पर आप घुस सकते हैं और आरोप लगा सकते हैं। शाहरुख खान कुछ भी नहीं थे तब अगर वो ये दौर चल रहा होता और उनकी शादी होती तो लव जिहाद कहा जाता। सही बात है, और ऐसे कई लोग हैं जिनके बारे में ये लोग कहते हैं, तो ऐसे में आप मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस वीडियो को शायद देख रहे होंगे, हमारे कई दर्शक हैं, हम तो हिंदू मुसलमान करते भी नहीं हैं, लेकिन उनको आप क्या संदेश देंगे कि जो ये पूरा माहौल है क्या इसका कोई अंत है, क्या इस रात की कभी सुबह होगी या ये और भी गहरी रात आगे आने बाकी है, क्योंकि अब पहले तो नेता ये सारी चीज़ें करते थे, अब समाज में इतना ये सारा चीज़ें बढ़ चुकी है, समाज के अंदर लोग व्हाट्सएप पर बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देते हैं, तो इसका भविष्य क्या है, मुसलमानों को आप क्या कहेंगे, साथ ही साथ जो दूसरे दर्शक हैं उनको भी आप क्या कहेंगे जिनके आसपास इस तरह का नफरत फैलाया जा रहा है। मैं मुसलमानों को संदेश देने के काबिल नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुसलमान मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। और दूसरी बात, मैं सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जब तक ये सरकार है, आरएसएस की जो इन्फिल्ट्रेटेड जो सेना है वो हर जगह हर संस्था में घुसी हुई है, वो आखिरी आदमी जब तक बाहर नहीं निकलता तब तक ये सरकार, आरएसएस वाले और मुसलमानों के प्रति नफरत रखने वाले सारे लोग मुझे मुसलमान समझे। बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि हर किसी को ऐसा करना चाहिए जो वाकई ये सारे मुद्दे को समझते हैं। और आखिरी सवाल सर यही है, जो हिंसा है उसे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, चेतन सिंह जो मैंने कहा वो ट्रेन के अंदर मारता है, नरेंद्र मोदी जब बने हैं तब सूरत में एक शख्स जो गोधरा से ही, तो गोधरा से ही तो राइज है, गोधरा से ही शुरू हुआ है, और वो बिल्किस बानो को न्याय नहीं मिला। हाँ। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से एक तरह से बड़े पैमाने पर कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशंस बन गया, तो अब किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर हम और आप भरोसा नहीं कर सकते तो मुसलमान क्या करें। सही बात है, तो फिर करें क्या, अब आगे क्या करना चाहिए हम लोगों को। चलिए हम मुसलमानों के बारे में नहीं, हम लोग जो इस तरह के विचार रखते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो हम सभी को देखते हैं, वो शायद हमारे इस थॉट से वो एक्सेप्ट कर रहे होंगे, इसलिए शायद इतने समय तक इस पूरे वीडियो को भी देखते रहेंगे। हमारी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम क्या करें, हम वॉइस ऑफ द वॉइसलेस बने, हम उनके साथ में रहें, घुलें मिलें। मैं और शायद मेरे घर वाले कुछ हैं, मेरी वाइफ जो है, हम क्या करते हैं कि जब भी कोई आता है तो हम उनको इस डिबेट के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि कितना झूठ फैलाया जाता है मुसलमानों के बारे में और कैसे वो गलत है, और इसके जरिए कम से कम उन्हें ये समझाने की कोशिश करें कि हकीकत और प्रोपोगंडा में कितना फ़र्क है और क्या कुछ हमें करना चाहिए ताकि ये चीज़ें ना हो। नहीं, हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और इससे ज़्यादा भी जो कर सकेंगे वो करेंगे ही आने वाले भविष्य में। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, एक सटल बात है, बहुत समझनेदायक है। देखिए, कई बार हम लोग, मैं खुद ये कहता हूँ कि मैं जन्म से हिंदू ब्राह्मण हूँ, आप भी जन्म से हिंदू ब्राह्मण हैं, वो इसलिए क्योंकि मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों के बारे में हो या दलित के हितों के बारे में हो या जाति व्यवस्था के बारे में हो या धर्म में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसके बारे में हो, बोलने का प्रिविलेज हमको मिला है। सही बात है, यानी मैं जाति व्यवस्था को नहीं मानता, ऐसा अगर कल मैं कहूं और आप कहे तो सब लोग मानेंगे कि वाह वाह क्या बात है, लेकिन ये प्रिविलेज है, ये किसी दलित को प्रिविलेज है क्या कि मैं जाति व्यवस्था को नहीं मानता कहने की, नहीं है। किसी मुसलमान को प्रिविलेज है क्या क्या मैं ये धर्म को नहीं मानता कहने की, नहीं तो मुसलमान ही कहेंगे। चूंकि हम ये पर्टिकुलर एक एक्सीडेंटली हम इस माता पिता के कोख से जन्मे हैं, इसलिए हमको ये प्रिविलेज मिला है, तो ये प्रिविलेज को हम अपने वो भाई बहनों के साथ शेयर करें जिनके लिए आज इस देश में कुछ लोगों ने एक नर्क बनाने की ठान ली है। बस इतना ही मैं कहूं। बिल्कुल, और इस वीडियो के जरिए दोस्तों हमारी कोशिश उन तमाम लोगों तक पहुंचने की थी और उन तमाम लोगों को बताने की थी जिनके साथ में नाइंसाफ़ी इस देश में हो रही है। जब हम बात करते हैं तब हम उमर खलीद के बारे में सोच रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं तब हम उन तमाम लोगों के बारे में सोच रहे हैं जिनके घरों को तोड़ा गया क्योंकि वो दूसरे समाज से थे, उन तमाम लोगों के बारे में सोच रहे हैं
जिनको इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुस्लिम धर्म के थे, उन तमाम लोगों के बारे में सोच रहे हैं जिनको इसलिए घर नहीं दिया गया क्योंकि वो मुसलमान थे। और ये वीडियो हम आप सभी के लिए कर रहे हैं ताकि हम बता सकें कि ऐसा नहीं है कि लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग हैं, हम इस पर लगातार चर्चा आगे भी करते रहेंगे। लेकिन राजू सर ने ही ये बात कहा कि नहीं, हमें इस पर बातचीत करनी चाहिए जिस तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं, तो इसलिए मेरे को लगता है राजू सर आपसे ही इसका शुक्रिया अदा और ये क्रेडिट पूरा आपको ही देना चाहिए कि आपको लगा कि नहीं हम ये मुद्दा इतना ज़रूरी है। और विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष हर कोई जब केवल अपने अपने मतलब और वोट की बात कर रही है तब हम उठ के हमारे भाई बहनों की बात करें जो हमारे इस देश में उतने ही हकदार हैं जितना हम हैं। और मुझे लगता है हमने लगातार सभी टॉपिक्स पर बात की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आप जुड़े और आपने बात की। दर्शकों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरी कोशिश या राजू सर की कोशिश इसके ज़रिए ये जो पूरा मुद्दा है इस पर खुलकर बातचीत करने की थी। हम कमेंट सेक्शन भी पढ़ते हैं, आप अपने विचारों को वहाँ पर लिख सकते हैं जिसके बारे में अगली बार जब हम चर्चा करेंगे उसमें उसे भी लेकर हम चर्चा करेंगे, उसका भी जिक्र करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। राजू सर बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे लगता है कि काफ़ी अहम जानकारी थी जो हमने दी है। वीडियो दोस्तों अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, साथ ही साथ अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। आने वाले दिनों में राजू सर के साथ और 2-3 वीडियोस हम इसी तरह के अलग अलग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर करने वाले हैं। फिलहाल इतना ही, आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, थैंक यू।